हाय एवरीवन, इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बार बार एक वर्ड यूज होता है, तथास्तु। एज यू विश, योर विश इज कंप्लीट, योर विश इज ग्रांटेड। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये पावर होती है। आप प्रेयर करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको यूनिवर्स तथास्तु बोलता है। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, क्या सच में ऐसा होता है कि मैंने कोई विश की और मेरी विश ग्रांट हो गई? अगर मैं सोचूं कि मुझे आसमान में उड़ना है और यूनिवर्स मुझे कहे तथास्तु, तो ऐसे बहुत सारी क्यूरियोसिटी लेके हम बड़े होते हैं। कुछ क्यूरियोसिटी पे हम काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, और कुछ क्यूरियोसिटी होती है वो अंदर ही दब के हमारी खत्म हो जाती है। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये आपका एक तथास्तु मोमेंट है। आप कुछ भी विश करो और आपने इमेजिन किया मुकेश अंबानी को, और आपने विश किया कि मैं मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊं। अब उस तथास्तु मोमेंट में उस यूनिवर्स के पास कोई ब्रेन नहीं है, आईज नहीं है, उनके पास सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी जो मैच हुई है कि यू वांट टू बी लाइक मुकेश अंबानी, और उन्होंने आपको मुकेश अंबानी जैसा बना दिया फिजिकली, बिकॉज यू वर नॉट क्लियर कि आप क्या मांग रहे हो। एक और सिचुएशन है, अगर मैं कहूँ आपको कि ये आपका तथास्तु मोमेंट है और आपने विश किया कि आपका फिजिक, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी टाइगर श्रॉफ जैसे हो जाए, यू आर वेरी क्लियर और यूनिवर्स ने आपको बोला तथास्तु, तो क्या सच में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं? मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि कई चीजें मैंने बहुत स्ट्रांगली सोची और वो हो जाती है। आप में से भी बहुत से लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि जो आपने सोचा वो हो गया, या फिर आपके लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स थे, अच्छे या बुरे, वो उन मोमेंट्स में हुए जब आपने कुछ बहुत स्ट्रांगली सोचा। तो जब आपके जो थॉट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो कहीं ना कहीं जाके तो मैच हुए। इसको मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कवर्ड है। हमारे अंदर एक रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर हम बनाते हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस से, और जितनी चीजें हम सोचते हैं वो हमारे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सपोज मुझे कोई सॉन्ग सुनना है, ये मेरा रिसेप्टर है। किसी ने मुझे बताया 93.5 रेड एफएम पे आप अपनी डिमांड्स भेज सकते हो और वो ब्रॉडकास्ट करते हैं आपके पसंद का सॉन्ग। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ कि हो सकता है मेरा ये विश है वो कंप्लीट हो जाए जो मैं चाहता हूँ। पहले तो आपको पता नहीं 93.5 रेड एफएम पे ट्यूनिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद में आपके बिलीव्स, आपके डाउट्स, आपके रेजिस्टेंस, कि अरे छोड़ो, रहने दो, क्या करना, नहीं सुना तो भी क्या जाता है, पता नहीं वो मेरा सॉन्ग प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे डाउट्स हमारे अंदर भी आते हैं, जब तक हम कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हैं बहुत सारे डाउट्स हमारे अंदर भी आते हैं। तो ये जो डाउट्स हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं होने दे रहे। जैसे फॉगी वेदर है, क्लाउडी वेदर है, आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, आपका सॉन्ग तो प्ले हो रहा है लेकिन आप मैच नहीं कर पा रहे उसके साथ में। जब आपने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ तो आपको लगता है कि ये 93.5 रेड एफएम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज अगर मैं 100 ईयर्स पहले किसी को बोलूं कि मैं आराम से बैठ के 1000 लोगों के साथ में बात कर सकती हूँ, या मैं एक रिमोट से अपना घर के सारे काम कर सकती हूँ, तो लोग बोलेंगे ये पागल है, ऐसी चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत अनरियलिस्टिक है। तो जब तक आप कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आपके लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिकॉज मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं इन चीज में बिलीव करती हूँ। मेरा जो कॉन्शियस लिविंग का वर्क है कंप्लीटली बेस्ड है स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जो डेविड हॉकिंस ने दिया था। स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे उन्होंने बताया कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है शेम की, जहां पे आप
बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में, और मैंने अपने स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में सबसे नीचे रखा है अनग्रेटफुलनेस। मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। फिर उन्होंने बताया है कि गिल्ट, ब्लेम, डिससेटिस्फेक्शन और इस तरह से रिजेंटमेंट, ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसी के कॉन्शियसनेस है। यहाँ आप बहुत लो वाइब्रेट करते हो और आपका पूरा लाइफ सर्वाइवल मोड पे स्ट्रगल करते हुए निकल जाता है। इस वाली फ्रीक्वेंसी पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका तथास्तु मोमेंट यहाँ नहीं आता है। जो तथास्तु मोमेंट हमको एंगर के वाइब्रेशंस पे मिलते हैं, एंगर की फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं, वो मोस्टली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अगर हम अपने एंगर की एनर्जी को स्टोर करके चैनलाइज करना सीख लेते हैं, हम उसी एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, उस सर्वाइवल मोड से ऊपर जाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगी और फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे तथास्तु मोमेंट थे जो आपने वेस्ट कर दिए। यह आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते थे तो वो कौन से तथास्तु मोमेंट थे और आप ऐसे और मोमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, आपका बॉस आपको बोलता है कि यू आर यूजलेस, आपका कोई क्रेडेंशियल भी नहीं है, कैसे आपको ये जॉब मिल गई, यू डोंट डिजर्व दिस जॉब, आप एक बर्डन हो हमारे कंपनी के ऊपर, एक्स वाई जी। अब इस पे दो चीजें हो सकती है, या तो आप ये बिलीव करोगे कि सच में मेरे पास में कोई क्रेडेंशियल है नहीं और मार्केट में इतना प्रॉब्लम है, मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही चलता हूँ, ये एक थॉट हो सकता है। दूसरा थॉट हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि आपको पता है कि कोई तो स्किल आपके पास ऐसी है जो इससे बेटर है और अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा जॉब तो मिल ही जाएगा। तो आप जब बहुत गुस्से में जब आप वाइब्रेट करते हो तब आपका तथास्तु मोमेंट आता है कुछ सेकेंड के लिए, लेकिन उस सेकेंड में आपका जो सबकॉन्शियस है वो अपनी एनर्जी सेव करने के लिए आपको बोलता है क्विट। आप एक डिसीजन ले लेते हो कि मुझे ये कंपनी छोड़ना है। आपको उसके बाद में जितनी चीजें मिलेंगी वो आपको सपोर्ट करेगी उस कंपनी को छोड़ने के लिए, और आप उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में, उसी रिजेंटमेंट एंगर के साथ में आप शिफ्ट कर देते हो दूसरी कंपनी में और वहां पे फिर से वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। आप अपना वो 8 सेकेंड ऑफ तथास्तु वेस्ट कर देते हो। इसमें आप 1 सेकेंड जब आपको इतना गुस्सा आ रहा है उसको चैनलाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और आप नोज से इनहेल करिए और माउथ से एक्सहेल करिए। ये अपने आप को कूल डाउन करने का एक तरीका है। तो जब आपने अपने आप को सेटल किया उसके बाद में आप अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। ये आपका तथास्तु मोमेंट नहीं है, ये आपके तथास्तु मोमेंट क्रिएट करने की तैयारी है। आपके पास अब एक एनर्जी है जिसको आपको चैनलाइज करना। तो आपने एक थॉट अपने दिमाग में लेके आया कि ओहो दिस इज द टाइम टू शिफ्ट, दिस इज द टाइम फॉर न्यू जॉब, न्यू प्लेस, दिस इज द टाइम फॉर न्यू मी। सो नाउ आई हैव टू चेक कि मेरे कौन कौन से स्ट्रेंथ, कौन कौन से वीकनेसेस है जिस पे मुझे काम करना है, बिकॉज आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई न्यू शिफ्ट, न्यू फेज ऑफ लाइफ। So thank you for telling me that this is the time for shift. उसके बाद में आपको डेली 8 सेकेंड अपने इस न्यू वर्जन के लिए, अपने इस न्यू प्लेस के लिए, अपने इस न्यू वर्क के लिए डेडिकेट करना है। वो एक दिन में नहीं आएगा आपका तथास्तु मोमेंट, आप 20-30 डेज आपको डेली 8 सेकेंड काम करना है अपने इस न्यू थॉट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट डे आप सोचोगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मैं मुझे माइंडसेट शिफ्ट करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस करने हैं जो मेरे नए काम के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस होने चाहिए। जब आपको अपने अंदर कोई शिफ्ट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर वो एनर्जी हो। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक्सरसाइज करते हो, आप गेम्स खेलते हो, डांस करते हो, लेकिन मूवमेंट जरूरी है आपकी शिफ्ट के लिए। फिर आप एक दिन अपना स्केच बनाते हो कि मैं अपने नए वर्क प्लेस पे ऐसा दिखूंगा या मेरा नया वर्क प्लेस ऐसा दिखेगा। आपको डेली उसको इमेजिन करना है और जब आप डेली उसको इमेजिन करोगे धीरे धीरे जो आपका सबकॉन्शियस है वो उसको एक्सेप्ट करने लगेगा आपकी नई रियलिटी।
जैसे ही आपका सबकॉन्शियस आपकी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है, आपका जो रेजिस्टेंस है कि मार्केट में जॉब्स कहाँ हैं, तेरे क्रेडेंशियल्स कहाँ हैं जो मैच करते हैं जैसे तू सोचता है, वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाते हैं जैसे ही आपका सबकॉन्शियस आपकी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग जाता है। 20-30 डेज में एक दिन वो आएगा जिस दिन आप एक्चुअली फील करोगे कि आप एक नए जॉब में, और आप वहां कैसे फील कर रहे हो, वो जो वाइब्रेशंस है आपकी जॉय की, वो मोमेंट है जहां पे आपको यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। और जैसे ही वो आपका मोमेंट आया, आपके हाथ में एक अच्छी नई जॉब का लेटर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके जो बिलीव्स हैं कि ये रियलिटी है, मार्केट में जॉब नहीं है, मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं, वो सब आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और तब जाके आपका वो एक सेकेंड ऑफ तथास्तु मोमेंट क्रिएट होता है। जब आप स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाते हो तो एंगर को उन्होंने हाई वाइब्रेंसी पे रखा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, लेकिन वहां पे कुछ क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कुछ क्रिएट करना है तो पहले आपको न्यूट्रलिटी पे आना पड़ता है, आपको सरेंडर करना पड़ता है कि ओके, दिस इज द फैक्ट दैट इज प्रेजेंट एंड दैट इज प्रेजेंट इन दिस प्रेजेंट। फिर उसके बाद में जब आप एक्सपीरियंस करते हो लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड, उस मोमेंट पे आपको क्रिएट करते हो अपना नया रियलिटी। ये एक सिंपल एग्जांपल था, आप में से बहुत लोग शायद ही ट्राई कर चुके होंगे। एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक एंगर का पुश था, उस एंगर की एनर्जी थी, एक ड्राइव था, एक एंगर का ड्राइव था जिसने आपके लिए आसान कर दिया को क्रिएट करना। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जहां आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, जिसके लिए कोई ड्राइव नहीं है, कोई पुश नहीं है, कोई किक नहीं है आपके पास में। आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मुझे अपना वेट कम करना है, और आप उसके लिए बहुत कुछ करते भी हो, नए नए रिचुअल्स बनाते हो, जिम ज्वाइन करते हो, डाइट प्लान लेते हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पीछे एक पुश, एक ड्राइव, एक फायर नहीं। तो वो फायर को हम कैसे क्रिएट करें? हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो ब्रेन है, वो एनर्जी सेविंग मोड पे काम करता है। आपके कंफर्टेबल जोन से आपको अगर बाहर आना है तो उसके लिए आपको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास सफिशियंट एनर्जी किक है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। लेकिन आप सेटल्ड है, 45-46 मेरे जैसे एज में हैं, और आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, अब मुझे आगे अपना कैटरीना कैफ जैसा फिगर बना के कहां जाना है, तो फिर आपको किक ही नहीं मिलेगी। अब आपको क्या करना है, 8 सेकेंड ऑफ तथास्तु मोमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप एक ड्रेस इमेजिन करो कि ये जो ड्रेस है वो मुझे पहनना ही है, और इसको पहनने के लिए मुझे अपने इंचेस कम करने पड़ेंगे, मुझे अपना वेट कम करना पड़ेगा, और ये सो एंड सो ओकेजन पे मैं पहनूंगी, और ये मुझे अपने लिए ही करना है, ये मुझे किसी और के लिए नहीं करना है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई किक नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको सपोर्ट करे। अब आप डेली उस फोटोग्राफ को बाहर निकालिए और देखिए और इमेजिन करिए अपने आप को। डेली 8 सेकेंड आपको उसको निकाल कर देखना है और इमेजिन करना है कि इसके साथ में ये ज्वेलरी पहन सकती हूँ, इसके साथ में ये हेयर स्टाइल बना सकती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना स्केच बनाइए अपना उस ड्रेस में। डेली जब आप करोगे आपको एक जॉय, एक हैप्पीनेस फील होगा उसमें अपने आप को इमेजिन करके। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लग जाता है आपका वो न्यू रियलिटी, तो आप देखोगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कोई ऐसा बता देगा, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपने उस पर ट्यूनिंग की और आपको मिला कि अगर आप अपना चक्रा डाइट लेते हो, मैं उसका एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप चक्रा डाइट लेते हो तो आप अपने इंचेस
ऐसे कम कर सकते हो, आपके वेट कम नहीं होने का ये रीजन था, या आपको कोई ऐसा एक्सरसाइज मिल जाता है जो आप एंजॉय करते हो और आप वो कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इस तरह से जब आपने अपने न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो चीजें स्मूथली उसके साथ में होने लग जाती है। 20-30 डे में एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप एक्चुअली फील करते हो अपने आप को उस ड्रेस में, उस इंच लॉस के साथ, उस वेट लॉस के साथ, और उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके डाइट, आपके जिम, सब कुछ रेगुलर हो जाते हैं और सब कुछ आपके लिए काम करने लग जाता है। तो ये जो 8 seconds ऑफ तथास्तु है, ये हम अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनकी थिंकिंग के बीच में और हमारी थिंकिंग के बीच में, अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं, आप उसको फोर्स कर रहे हो सब्जेक्ट लेने के लिए, तब आप उस 8 seconds ऑफ तथास्तु मोमेंट को वहां इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि एक विजन उस बच्चे को दिखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट लेके वो एक विजन आप उसको दीजिए और डेली उसको विजुलाइज करने को बोलिए। सबको अच्छा लगता है अच्छा फील करना, और जब वो अच्छा फील करने लगेगा, आप बिलीव नहीं करो, वो मैथ्स वो देखना नहीं चाहता और उसके बाद डेली मैथ्स पढ़ेगा, उसको समझ में भी आएगा। तो ये जो 8 seconds ऑफ तथास्तु मोमेंट है, वो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप लो फ्रीक्वेंसी पे उसको क्रिएट नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव दैट एनर्जी, यू हैव टू ऑपरेट विद लव, जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। आप जब अपने प्रेजेंट के साथ में पीसफुल होते हो, वो होता है आपका न्यूट्रलिटी। आप स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जब सर्वाइवल मोड से आप ऊपर आते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एंगर का पुश मिले, तो आप न्यूट्रल हो जाओ उस समय पे। आप डिससेटिस्फैक्शन, आपके रिजेंटमेंट, आपको मनी नहीं मिल सकता है, आप डिजर्व नहीं करते हो, ये सारे बिलीव्स को ड्रॉप करिए। न्यूट्रलिटी जो होता है वहाँ हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं अपने बिलीव्स, अपने हैबिट्स, अपना रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है कॉन्शियसनेस की। कोई भी ऐसी एक विश है जो आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि मेरी ये विश ग्रैंट हो जाना चाहिए, आप एक 30 days का रिचुअल बनाइए। हर दिन वो 8 seconds अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए और 20-30 days बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि कैसे 8 seconds ऑफ तथास्तु मोमेंट आपने क्रिएट करे और उसने कैसे हेल्प किया आपको। ऑल द बेस्ट।